सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पालघर के वाडा कॉलम चावल को मिला GI टैग। हाँ जी, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तहसील में चारों तरफ उगाई जाने वाली चावल की किस्म को GI टैग भूगोलिक संकेत मिला है, जो इस चावल को न केवल एक विशेष पहचान दिलाएगा बल्कि इसे वृहद बाजार में भी उपलब्ध कराएगा। वाडा कॉलम चावल को जिनी अथवा झिनी के तौर पर जाना जाता है। यह एक परंपरागत किस्म है जिसे पालघर जिले के वाडा तहसील में उगाया जाता है। इस चावल का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में पहली बार जीता रजत पदक। भारत ने शनिवार को फिडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम गोल्ड मेडल से चूक गई। उसे फाइनल में रूस के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत का विश्व शतरंज चैंपियनशिप में पहला पदक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका का निधन हो चुका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पात्र नट्टू काका के नाम से मशहूर टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक का रविवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। यह घोषणा सीरियल के निर्माता असित कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर की। घनश्याम नायक ने 1960 में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी। गुजराती व हिंदी फिल्मों सहित गुजराती रंगमंच से भी जुड़े रहे। उन्होंने आशा भोसले महेंद्र कपूर के साथ गीत गाकर पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। ई श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया। श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ई श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पोर्टल पर अब तक 2.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। दिल्ली को NCAP के तहत मिलेगा ग्रीन फंड। राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण प्रबंधन मैं कुछ विशेष कमियों को दूर करने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम के तहत 18 करोड़ की मदद मिलेगी। 2019 में शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली को धन प्राप्त होगा। NCAP 2024 तक PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सतर की रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो ये फहराया गया था लद्दाख में। लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल R.K. माथुर ने विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख MM नरवाने भी उपस्थित थे। यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। यह ध्वज 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है। तो इसमें जोड़ा है 267 नई प्रजातियों को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियों को जोड़ा है। इन 267 नई प्रजातियों में बीजीय पौधों की 119, कवक की 57, लाइकेन की 44, शैवाल की 21 और सूक्ष्म जीवों की 18, ब्रायोफाइटस की 5 और फर्न एवं फर्न सहयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्वभर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि आज से ही 10 अक्टूबर तक जो सप्ताह मनाया जाता है उसका नाम है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्वभर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस पर मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। आज ही के दिन
वर्ष 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह सपूतनिक प्रथम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है? तो ये की है यहाँ पर विद्युत मंत्रालय ने, विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है, जिसके तहत विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इस विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क को बिजली क्षेत्र उपयोगिताओं की आसान पहुंच प्रदान करने की दिशा में ट्रांसमिशन प्रणाली योजना की ओवर हॉलिंग का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो इसके लिए किए नीति आयोग ने, नीति आयोग के प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में 5 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह अवार्ड पूरे भारत में असाधारण महिला परिवर्तन निर्माताओं की कहानियों को मान्यता देने और उनका जश्न मनाने की दिशा में एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा में। हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? तो ये समापन हुआ 15वें संस्करण का। भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकरण के 15वें संस्करण का समापन 14 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। यह अभ्यास आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को ये जानकारी कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए एक गतिशील प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अंपारा में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत और श्रीलंका देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं आपके, उनका नाम है सिद्धार्थ राय कपूर, भी आपका आंसर हो जाएगा। यह वर्ष 2017 से इस संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें 29 सितंबर को हुई संस्था की 67वीं वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व एवं उसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी ने पहली बार इस दिन को 1975 में 1 अक्टूबर को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस पोर्टल को चालू किया है? तो ये पोर्टल का नाम है सेक्रेड पोर्टल, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर इस पोर्टल को चालू किया है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सेक्रेड का अर्थ होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए मामाडी डोबाया ने, ये आपका आंसर हो जाएगा।
वह असीमी गोइटा माली के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे कम आयु के नेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में किसे खेल विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुजाता चतुर्वेदी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने रवि मित्तल की जगह ली है, जिन्हें सेवानिवृत्ति दी गई है। रवि मित्तल के कार्यकाल के दौरान भारत ने टोक्यो ओलंपिक व पैरा ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वह सुजाता चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर घोषित किया गया है चाचा चौधरी को, बी आपका आंसर हो जाएगा। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में गंगा और अन्य नदियों के प्रति बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए यह फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पर 96वां दिवस मनाया है 1 अक्टूबर को, ए आपका आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के एक हिस्से के रूप में एक स्थायी नर्सिंग सेवा की स्थापना की गई है और इसे भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में चर्चा में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो यहाँ पर ये लूसी मिशन जुड़ा है नासा से, डी आपका आंसर हो जाएगा। लूसी नासा का एक मिशन है, यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करेगा। यह 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में किस राज्य के बालाघाट के चित्तौर चावल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है यहाँ पर मध्य प्रदेश के चावल को, ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक खास किस्म है चन्नौर तीव्र सुगंध वाले चावल की किस्म है। इस चावल की खासियत इसकी महक और स्वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो यहाँ पर जो मुद्रा लॉन्च किया ये किए वेनेजुएला ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने कहा कि उसकी नई मुद्रा व्यवस्था में 10 लाख बोलीवर की कीमत 1 बोलीवर हो जाएगी। इससे लेन देन व बही खातों का आकलन थोड़ा आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं यहाँ पर श्रीलंका की यात्रा पर, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने इसका अनावरण किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कब अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अक्टूबर को ये स्थापना दिवस मनाया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर आपका नोएडा में, बी आपका आंसर हो जाएगा। नए खेल सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? सुजाता चतुर्वेदी ने यह पदभार संभाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबिया ने शपथ ली है? गिनी के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी शपथ ली है, भी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया उनका नाम है कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अधीर अरोड़ा ने ये कार्यभार संभाला है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है? लेह में किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंध्र प्रदेश के एमच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? सौरभ भट्टाचार्य ने ये टूर्नामेंट जीता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है तमिलनाडु के लिए, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सैन्य नर्सिंग सेवा का ADG किसे बनाया है? समीता देवरानी को ADG सैन्य नर्सिंग सेवा का बनाया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वन्यजीव सप्ताह कब से शुरू हुआ है?
ये 2 अक्टूबर से वन्यजीव सप्ताह शुरू हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।